हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिसे बिल्कुल भी याद नहीं होती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने 6 टिप्स दिया था याद करने का, और ये उसी का पार्ट 2 है। और ये जो मैं आज 5 देने वाली हूँ, 5 टिप्स, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ये 100% वर्क करती है। ये अगर आप यूज़ करते हैं, अपने ऊपर ट्राई करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत जल्दी आपका कोई भी आंसर आराम से आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स से रिलेटेड काफ़ी टिप्स आने वाली है। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, लाइफस्टाइल, किचन से रिलेटेड काफ़ी रेसिपीज, सारा किचन टिप्स और ब्यूटी टिप्स, और भी बहुत कुछ आने वाली है, जो कि यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलने वाली है। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन आती है, उसे भी आप जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहला टिप्स है मेरा स्टूडेंट के लिए जो याद करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पहला टिप्स है बोल बोल कर पढ़ाई करना। जी हाँ फ्रेंड, बोल बोल कर पढ़ाई करना, बोल बोल कर पढ़ाई करना एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है याद करने के लिए। कुछ बच्चे बस अपने बुक को देखते रहते हैं, बस पेज पलटाते हैं, गाल में हाथ रख करके अपना बस पेज पलटाते रहते हैं। वो सोचते हैं कि याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि याद भी हो गया तो वो बहुत थोड़ा समय के लिए होता है। इसीलिए कभी भी आप याद करिए तो हमेशा बोल बोल के याद करिए, क्योंकि चुप रहकर पढ़ाई करने से काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है बोल बोल कर पढ़ना। तो आज से आप ये टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा, बोल बोल कर पढ़ाई करना, और हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। याद करने के लिए दूसरा टिप्स है लिख लिख कर याद करना। जो भी आंसर आपको याद नहीं हो रही है तो उसमें से कुछ भी, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है वो पैराग्राफ लीजिए, और उस पैराग्राफ से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको आप कलेक्ट करके अपने सारे अपने कॉपी में सारे वर्ड्स को 10-10 बार लिखिए। तो उससे क्या होगा कि वो वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा, वो सारा डिफ़िकल्ट वर्ड आपका दिमाग में बैठ जाएगा, और उसके बाद आप वो पैराग्राफ को 1-2 बार रीडिंग मारिए। उसके बाद कॉपी में आप उसे लिखने का कोशिश करिए, 1-2 बार में आपका क्लियर हो जाएगा सारा। क्योंकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड था, जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड याद करने में प्रॉब्लम कर रही थी, वो तो आपने याद कर लिया, तो अब आप सारा पैराग्राफ को आसानी से याद कर लेंगे। तो इसीलिए आप लिख लिख करके याद करेंगे तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है याद करने में। तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है पहले आप उसे याद कर लें, उसके बाद पूरा रीडिंग मार के उसे एक बार और लिखें, तो ये आपको काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा याद करने में। तो ये दूसरे टिप को भी आपको जरूर फॉलो करना है, और एक बार ट्राई करके हमें जरूर बताएंगे। याद करने के लिए तीसरी टिप है डिस्कशन मेथड। जी हाँ फ्रेंड्स, डिस्कशन मेथड एक ऐसी विधि है याद करने की जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप स्टडी होती है। जब आप ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो एक दूसरे से जो भी सवाल किया जाता है उस टॉपिक को लेके या उस चैप्टर को लेके, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। ये इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगी दूसरे शब्द में कि जब भी हम पढ़ाई के लिए, याद करने के लिए डिस्कशन मेथड का यूज़ करते हैं, तो ये डिस्कशन मेथड चाहे वो क्लास में हो या फिर ग्रुप स्टडी में हो, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। क्योंकि डिस्कस के दौरान जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आंसर बोला जाता है वो आपके दिमाग में बैठते चले जाता है। उसके बाद आप जब भी आंसर पढ़ते हैं अपने कॉपी में तो वो आपको जल्दी से याद हो जाती है, और वो ज़्यादा दिन तक याद रहती है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है, इसे भी जरूर आप ट्राई करेंगे। चौथी टिप्स है चूज़ योर राइट एसोसिएशन। हमेशा अपना फ्रेंड सही चुनिए, अपना संगत, अपना एसोसिएशन सही रखिए, ताकि आपको वो सही रास्ता पे ले जाने में हेल्प करे, नहीं तो आपको वो गलत रास्ता पे ले जा सकते हैं। अगर आपका एसोसिएशन ख़राब है, गलत संगति है,
तो वो आपको गलत रास्ता पे ले जा सकते हैं और बहुत तरह से आपका दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं पढ़ाई से, जो कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो ऐसा एसोसिएशन मत रखिए जो कि आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर दे, जो कि आपका लाइफ बर्बाद कर दे। ऐसा फ्रेंड रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कम फ्रेंड रखिए लेकिन अच्छा रखिए। तो अपने फ्रेंड, अपने एसोसिएशन को आप सही चूज़ करिए और 4-5 फ्रेंड ही रखिए और अच्छे रखें, ताकि वो आपको सही रास्ता दिखा सके। और जब आपका रास्ता सही होगी तो आपका दिमाग में कोई भी फालतू की बात नहीं आएगी और अपने पढ़ाई पे पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर आप पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स था, चूज़ योर राइट एसोसिएशन, जो याद रखने में काफ़ी हेल्प करेगी। हमारी नेक्स्ट टिप्स है जो आपको याद करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है, वो है खुद को टीच करिए। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो ऐसे पढ़ाई करिए कि जैसे आप अपने आप को ही समझा रहे हैं, अपने आप को ही टीच कर रहे हो, अपने आप को ही पढ़ा रहे हो। ऐसा समझाइए कि जैसे आप किसी और को समझा रहे हो। टीचर, कुछ देर के लिए टीचर बन जाइए और ये सोचिए कि आप सब कुछ जान रहे हैं और सामने वालों को आप पढ़ा रहे हैं। तो वो पढ़ाने के लिए के तरीका से आपको याद करना है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कुछ टिप्स थे जो आपको याद करने में हेल्प करने वाली है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा इफ़ेक्ट पड़ा। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरी सारी और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है जो कि स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प करेगी। इसी के साथ हैव अ नाइस डे।